एक एक मिनट का उनको बात को लेते रहना रहना पड़ता है। लेकिन जनक राम जी के साथ कैसा अन्याय हुआ, वाह जी वाह, क्या है। तो ये तो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पार्टी है कि दलितों को अपमान करो और राज करो, और कोई नहीं रहते हुए एक चपरासी उनको गुलदस्ता भेंट करता है। तो ये सीधे सीधे एनडीए और खासकर भारतीय जनता पार्टी में दिखाने का दांत अलग है और खाने का दांत अलग है। कैसा उसका प्रोटोकॉल क्या होना? अरे प्रोटोकॉल, जैसे ही शपथ ग्रहण कर लिया, जिस विभाग का शपथ ग्रहण कर लिया उसके विभाग में सारी तैयारियां शुरू हो जाती है। कहाँ वो रह रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन गाड़ी उनके पास जाएगा, कैसी गाड़ी को जाएगी, विभाग की कौन गाड़ी है उनको भेजना है, और एक एक पॉइंट पर प्रधान सचिव बात करते रहते हैं। प्रधान सचिव अगर मीटिंग और सिटिंग अगर में हो तो उसके नीचे के जो पदाधिकारी डायरेक्टर हैं वो बात करते रहते हैं, और बात कर करके क्या साहब का क्या मंत्री महोदय का कोई कहना है, क्या है, कै बजे वो आएंगे, क्या है, एक एक मिनट का उनको बात को लेते रहना पड़ता है। लेकिन जनक राम जी के साथ कैसा अन्याय हुआ, वाह जी वाह, क्या है। तो ये तो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पार्टी है कि दलितों को अपमान करो और राज करो। क्या हुआ दलितों को, किस तरीका से हुआ, उसके आरक्षण को कैसे खत्म कर गया। अरे आरक्षण को बढ़ाना चाहिए, तो आरक्षण को कहने का मतलब जो कि घटाया जा रहा है, आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं मिला, अब सब चीज़ें पूरी आरक्षण को ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार समाप्त कर दिया है। तो अब इनके जो नेता हो रहे हैं उस नेता को बरका पद दे करके और अपमानित करने की बात की जा रही है। देखिए ये तो सबसे दुखद मामला है। काश आज जनक राम जी दलित परिवार में जन्म नहीं लिए होते तो आज इनको मंत्रिमंडल देकर इतना बड़ा अपमानित कोई नहीं करता। मंत्रिमंडल में जाता है, मंत्रिमंडल में मान लेते हैं कि मंत्री अपने कक्ष में जाते हो, और वहाँ ना कोई डायरेक्टर है, ना वहाँ कोई पदाधिकारी है, ना उसके प्रधान सचिव हैं, ये सब एक से एक पदाधिकारी है वहाँ। ऐसा नहीं है कि एक ही पदाधिकारी है, और कोई नहीं रहते हुए एक चपरासी उनको गुलदस्ता भेंट करता है। तो ये सीधे सीधे एनडीए और खासकर भारतीय जनता पार्टी में दिखाने का दांत अलग है और खाने का दांत अलग है। काश अगर वह दलितों के प्रति भारतीय जनता पार्टी अगर थोड़ी भी हिमायती है तो इस पर पूरी गहन करनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, और निष्पक्ष जांच होकर जनक राम का जो जो अपमान हुआ है उसकी बदला लेनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी को करने की चाहिए, नहीं तो मैं यही समझूंगा कि ये इनके दांत खाने वाले अलग हैं और दिखाने वाले अलग हैं। ये है, ये स्थिति इनकी बन चुकी है। काश दलित SC समाज से, SC समाज के नहीं होते जनक राम, या दलित समाज से नहीं होते तो आज इनको इतना बड़ा अपमानित नहीं किया जाता।